क्लास 10th के बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 5 जो आवर इन्वायरमेंट है, और आज का टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो है हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स के बारे में। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे हर्बीवोर्स के बारे में, तो अगर उसके फूड रिलेशन के बेसिस पे अगर हम डिस्कस करेंगे तो हम कहेंगे कि हर्बीवोर्स एनिमल्स जो है वह फूड मटेरियल्स को जो फीड करेंगे वह किससे करेंगे, प्लांट से या फिर प्लांट के प्रोडक्ट्स को, मतलब प्लांट्स और प्लांट के प्रोडक्ट्स को फीड करने का काम करेंगे एनिमल्स एज अ फूड के फॉर्म में। उसके अलावा नेक्स्ट जो होता है वो है कैनाइंस। कैनाइंस की बात करेंगे तो कैनाइंस का जो मेजर यूज होते हैं वह फ्लेश को टीयरिंग करने के लिए होता है, जबकि हर्बीवोर्स जो हमारे प्लांट्स के प्रोडक्ट्स को फूड मटेरियल्स के रूप में ही केवल देते हैं। रिजल्ट कहेंगे कि उनके पास में कैनाइंस होते हैं वो वेल डेवलप फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होते हैं। इसमें वेल डेवलप फॉर्म में कैनाइंस प्रेजेंट नहीं होते हैं तो हर्बीवोर्स एनिमल्स में। अगर हम बात करेंगे सेलुलोज का, तो हम कहेंगे कि हर्बीवोर्स जो सेलुलोजिक मटेरियल्स को डिग्रेड करने का काम करेंगे, हर्बीवोर्स जो सेलुलोजिक मटेरियल्स को डिग्रेड करने का काम करेंगे वह माइक्रो ऑर्गेनिक की सहायता से करेंगे, और वो माइक्रो ऑर्गेनिक कौन सा होगा तो लाइसोजाइम। लाइसोजाइम जो एंटी बैक्टीरियल एंजाइम होते हैं जो सेलुलोजिक मटेरियल्स को हर्बीवोर्स के हर्बीवोर्स में वह क्या करते हैं तो सेलुलोजिक मटेरियल्स को डिग्रेड कराने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने का काम करते हैं। अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट उसके अलावा तो इकोलॉजिकल स्टेटस का, तो हम कहेंगे कि हर्बीवोर्स जो प्राइमरी कंज्यूमर्स या फिर सेकेंड ट्रॉपिक ट्रॉपिक लेवल के भी नाम से जाने जाते हैं, मतलब कंज्यूमर्स में जो फर्स्ट प्राइमरी कंज्यूमर्स होंगे वह हमारा हर्बीवोर्स ही आते हैं, और यह सेकेंड ट्रॉपिक लेवल से ऑर्गेनिज्म सेकेंड ट्रॉपिक लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म के भी नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल ऑफ फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं वह हमारा प्रोड्यूसर्स यानी प्लांट्स होते हैं। अगर हम बात करेंगे इस इकोलॉजिकल स्टेटस एग्जाम्पल के फॉर्म में तो डियर आता है, गोट आते हैं और काऊ आते हैं, जबकि अगर हम बात करेंगे कार्निवोर्स एनिमल्स का, तो कार्निवोर्स एनिमल्स जो अनदर एनिमल्स पे डिपेंडेबल होते हैं अपने फूड मटेरियल्स को अपटेक और गेन करने के लिए, कार्निवोर्स एनिमल्स जो प्रीडेटर्स कहलाते हैं और जो जिसको वह शिकार हंटिंग करने के बाद एज ए फूड मटेरियल्स के रूप में अपटेक करते हैं वह प्रे कहलाते हैं यानी पक्षी कहलाते हैं। प्रीडेटर्स का मतलब होता है भक्षक और प्रे का मतलब होता है पक्षी। हम कहेंगे कि कार्निवोर्स जो अपने मीट और मीट प्रोडक्ट्स को ही एज ए फूड मटेरियल्स के रूप में अपटेक और गेन करने का काम करते हैं, इसका मतलब है कि कैनाइंस कार्निवोर्स में वेल डेवलप फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि यह कैनाइंस होते हैं उसका मेन जो फंक्शंस है या फिर उसका मेन जो रोल है वह फ्लेश को टीयरिंग करने का और फ्लेश को ही फूड मटेरियल्स के रूप में अपटेक करने का होता है। मतलब प्रे की बात करेंगे भक्षी और प्रीडेटर्स जो भक्षक होते हैं, रिजल्ट कहेंगे कि प्रे के ही जो है सो फ्लेश को या प्रीडेटर्स होते हैं एज ए फूड मटेरियल्स के रूप में अपटेक और गेन करने का काम करते हैं। कौन करते हैं? कार्निवोर्स एनिमल्स करते हैं। अगर हम बात करेंगे कार्निवोर्स एनिमल्स का, तो कार्निवोर्स एनिमल्स जो सेलुलोजिक मटेरियल्स को डिग्रेड नहीं करते हैं, क्योंकि यह कार्निवोर्स एनिमल्स जो कम्प्लीटली भी डिपेंडेबल जो होते हैं वह मीट और मीट के प्रोडक्ट्स पर ही होते हैं, मतलब कहेंगे मीट मतलब एनिमल और एनिमल प्रोडक्ट्स पर ही वह फूड मटेरियल्स के रूप में डिपेंडेबल होने के कारण यह सेलुलोजिक मटेरियल्स को डिग्रेड नहीं करते हैं। मेजर लाइसोजाइम जैसे एंटी बैक्टीरियल एंजाइम जो कार्निवोर्स एनिमल्स में प्रेजेंट नहीं होंगे, क्योंकि सेलुलोजिक मटेरियल को सिर्फ और सिर्फ डिग्रेड कराने की कैपेबिलिटी हमारे हर्बीवोर्स के ही पास में होते हैं। अगर हम बात करेंगे कार्निवोर्स का, तो कार्निवोर्स जो हायर लेवल ऑफ कंज्यूमर्स के नाम कार्निवोर्स जो हायर लेवल कंज्यूमर्स कहलाते हैं, इसलिए मेजर थर्ड या फिर हायर ट्रॉपिक लेवल के भी नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि फर्स्ट में प्रोड्यूसर्स आते हैं, सेकेंड में जो होते हैं वो हर्बीवोर्स आते हैं, और थर्ड और हायर ट्रॉपिक लेवल्स के रूप में कार्निवोर्स आते हैं। नेक्स्ट उसके बाद में नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल की बात करेंगे तो वो है ओमनीवोर्स का। ओमनीवोर्स की बात करेंगे तो ओमनीवोर्स एनिमल जो ओमनीवोर्स एनिमल जो फूड मटेरियल्स को मतलब प्लांट और एनिमल्स बोथ जो होंगे उसको क्या करेंगे एज ए फूड मटेरियल्स के रूप में ईट करने का अपटेक करने का काम करेंगे या ओमनीवोर्स एनिमल्स, मतलब कहेंगे या ओमनीवोर्स एनिमल्स होते हैं इनके पास में कैनाइन भी प्रेजेंट होते हैं और इंसीजर भी प्रेजेंट होते हैं, या कैनाइन और इंसीजर जो दोनों क्या काम करते हैं तो कैनाइन जो मीट को टीयरिंग करने का काम करते हैं, जबकि इंसीजर जो हम कह सकते हैं कि प्लांट्स और उसके प्रोडक्ट्स को कटिंग करने का और बाइटिंग करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने का काम करते हैं। हम कह सकते हैं इस तरह से कैनाइन और इंसीजर टीथ जो वेल डेवलप फॉर्म में होंगे इसमें ओमनीवोर में
प्लांट के प्रोडक्ट्स को लेने के लिए या फिर मीट प्रोडक्ट्स को अपने करने के लिए गेन करने के लिए। अगर हम बात करेंगे ओमनिवोर्स में क्लॉज का, क्लॉज का मतलब होता है पंजा। तो क्लॉज जो होते हैं वो वेल डेवलप्ड फॉर्म में केवल सिर्फ और सिर्फ जो होते हैं वो कार्निवोर्स में प्रेजेंट होते हैं। मींस दैट ओमनिवोर्स में या जो होंगे वो वेल डेवलप्ड अनडेवलप्ड फॉर्म मतलब लेस डेवलप्ड फॉर्म में कहेंगे या अनडेवलप्ड फॉर्म में बात करेंगे तो यह क्लॉज प्रेजेंट होते हैं ओमनिवोर्स में, क्योंकि यह क्लॉज होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसका यूज होते हैं वो मेजोरिटी फॉर्म में वो हंटिंग यानी शिकार करने के लिए ही होता है। अगर हम बात करेंगे इस ओमनिवोर्स के ट्रॉपिक लेवल का तो हम कहेंगे यह ओमनिवोर्स या तो टू या फिर मोर देन ट्रॉपिक लेवल या दो से ज्यादा मतलब सेकेंड ट्रॉपिक लेवल और थर्ड ट्रॉपिक लेवल दोनों में यह इन्वॉल्व होते हैं। दूसरी बात कहेंगे किसके ओमनिवोर के पॉपुलेशन का, तो यह लेस डिपेंडेंट होते हैं किसका ओमनिवोर्स के पॉपुलेशन किस पे, तो प्रेस के पॉपुलेशन पे। मींस दैट क्या कम से कम होते हैं वो प्रेस को फूड मटेरियल्स के रूप में अपेक करने का काम करते हैं कौन ओमनिवोर्स। अगर हम बात करेंगे ओमनिवोर्स के बेस्ट एग्जाम्पल्स का तो वो आते हैं कॉकरोच, ह्यूमन बींग्स और डोमेस्टिकेटेड डॉग। ये सभी जो ओमनिवोर्स ग्रुप से बिलोंग करने वाले ऑर्गेनिज्म हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।